तो घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेडरूम, और बेडरूम में भी मास्टर बेडरूम। सब लोग चाहते हैं कि उनका बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है वो एक स्पेशल हो, तो इसीलिए आज मैं एक आपके लिए स्पेशल मास्टर बेडरूम लेके आया हूँ, जिसमें बहुत सारे अलग फीचर्स हैं। फीचर्स इन द सेंस कि बहुत यूनिक है, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त महादेव। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे पीछे देख रहे हो, इसका साइज है करीब 18x16 का। 16 हमारा ऐसे है, 18 हमारा ऐसे है, और यहाँ पे आप सबसे पहले मैं एक क्विक व्यू दिखा देता हूँ आपको इस बेडरूम का। आप देख सकते हो मेरे साथ प्लेसमेंट, देख सकते हो फर्नीचर की, सीलिंग्स, अपना फ्लोरिंग, ये सब आप देख सकते हो एट अ क्विक लुक। फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे हमने किया क्या क्या है और ये क्यों थोड़ा सा यूनिक है। तो स्टार्ट करते हैं सीलिंग से। सीलिंग आप देख सकते हो, जो सीलिंग का एलिमेंट यहाँ पे लिया गया है वो ज़्यादातर कवर्ड सीलिंग है, जिसमें एक छोटे छोटे जो आप देख सकते हो वुडन के पिलर्स हमने डाल दिए हैं कुछ अलग दिखाने के लिए। एंड लाइटिंग भी बहुत ही अलग खूबसूरत तरीके से ली गई है। पिलर्स के साइड फेस पे देखोगे तो हमने लाइटिंग्स दी है वहाँ पे। एंड उसी के साथ सबसे बेसिक एलिमेंट जो सीलिंग के साथ होता है वो होता है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग आप देख सकते हो जैसे 4x2 की फ्लोरिंग लगी हुई है, GVT टाइल हमने लगा रखी है यहाँ पे 4x2 का। तो बिल्कुल जिस टाइम ये बना है उसके टाइम के ये बिल्कुल लेटेस्ट हमारी फ्लोरिंग थी, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ करी है। उसी के बाद बात करते हैं हमारी फर्नीचर प्लेसमेंट की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेड की। बेड यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल यूनिक बेड है, बिल्कुल अलग तरीके का बेड है, जिसे कहते हैं क्विल्टेड बेड। एजेस जो इसके आप देखोगे लास्ट वाले राउंड है, किसी को लग नहीं सकता, टकरा नहीं सकता, कोई बंदा टकरा भी जाएगा तो उसको ये यहाँ पे चोट नहीं पहुँचाने वाला है। एंड मोर ओवर इसकी साइड टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड टेबल में जो आप देखोगे ये भी पूरी क्विल्टेड है, अच्छा बड़ा साइज है, क्योंकि रूम का साइज हमारा बड़ा है तो हमें यहाँ पे साइड टेबल बड़ी प्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो चीज़ इस बेड को बहुत बड़ा और बहुत अच्छा लुक दे रही है वो है इसका हेड। हेड में आप देखोगे हमने हाईलाइटेड एक एलिमेंट डाल दिया है, जो हमारी ये जाली है। जाली के साथ आपको पता ही है कि जाली हम जब भी करते हैं तो हमें डीको या पॉलिश में करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हमने डीको एलिमेंट लिया है। और डीको के लिए कलर भी आते हैं लेकिन हमने वाइट लिया है बिल्कुल उसको सफेस्टिकेटेड और एक अच्छा लुक देने के लिए, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम जो हम दे रहे हैं ये बहुत ही सोबर हम उसे लुक देना चाह रहे थे, इसलिए हमने हम यहाँ पे जो ज़्यादातर एलिमेंट लिया है वो वाइट लिया है। तो वाइट के साथ जो हमने ये लिया है उसके साथ हम पीछे लाइट हमने प्लेस करी है, जो एक्रेलिक शीट उसको पेनिट्रेट कर रही है यहाँ पे, जैसे कि उसको लगाते हैं वो हमने वॉर्म वाइट ली है। अगेन एक डार्क और वाइट दोनों कंट्रास्ट बना दिया है। इस कंट्रास्ट को मैंने एक और जगह यूज करा है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखा दूँ, ताकि कॉम्प्लीमेंट भी करे और एक अलग अपना गेटअप भी आए। और थोड़ा सा मैंने उसे डिफरेंट करने के लिए लाइट यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे मेरा LED है, ये भी डीको में बना हुआ है, जो व्हाइट कलर का सेम डीको था उसी डीको में हमने ये प्लान करा है। उसी के साथ जो आप दूसरा एलिमेंट देख रहे हो यहाँ पे एक ऑफसेट भी दिया गया है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। एंड यहाँ पे जो आप देखोगे ये सारा वॉलपेपर में है, ये जो आप देख रहे हो कोई लैमिनेट नहीं है, कुछ नहीं है, ये वॉलपेपर है। यहाँ पे हमने 3 ऑफसेट ले लिए हैं अंदर की साइड, जहाँ पे हमने लाइट प्लेस कर दिया। और यहाँ पे आप शोपीस आप देख सकते हो, यहाँ पे आप शोपीस देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जो इसका एक अलग ही गेटअप दे रहे हैं, अलग व्यू दे रहे हैं। अच्छा बात करूँ यहाँ पे लाइटिंग की, उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू लाइट प्लेस कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं जलती है। और वो वाली जो पीछे लाइट देखी थी आपने वो नाइट बल्ब का भी काम कर सकती है, हालांकि यहाँ पे लैंप भी है लेकिन आप उसको भी यूज कर सकते हो एज अ नाइट बल्ब, तो कुछ पढ़ना भी है तो भी थोड़ा इनफ लाइट वो प्रोवाइड कर देती है। एंड LED में हमने नीचे 3 ड्रॉअर भी दे दिए हैं, अगर आपको कुछ छोटा मोटा रिमोट वगैरह या कुछ अदर चीज़ें आप रखना चाहो तो वो ईजिली प्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये प्लेसमेंट की बात हो गई है हमारा बेड और हमारा LED। इसके बाद हम चलते हैं अलमीरा पे, जो कि स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी रूम का, तो उसको देख लेते हैं। तो स्टोरेज में अब आपको दिखा देता हूँ जो स्टोरेज हमने यहाँ पे प्लेस करी है। स्टोरेज आप देखोगे लेकर्ड ग्लास वाली स्टोरेज मैंने यहाँ पे ली है,
जो कि एल्युमिनियम प्रोफाइल के शटर्स के साथ है। अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया कि एक थीम बेस्ड हमने वाइट कलर को हमने पकड़ा है, वाइट के साथ कुछ हाइलाइटिंग एलिमेंट हमने दे दिए हैं डार्क कलर में, तो यहाँ पे स्टोरेज कॉम्प्लीमेंट करते हुए वाइट कलर को, ये हमने हमारा लेकर्ड ग्लास है, यहाँ पे हमारे प्रोफाइल के पल्ले हैं, उसी के साथ हमने ऊपर क्या करा है, ऊपर हमने शटर दे दिए हैं। कुछ हमारा जो सामान ऐसा होता है जो हमारा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता, उसको हम वहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ अंदर की, इस तरीके से एक कबर्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज हमारी आ सकती है इसमें, थोड़ा बड़े जो हमारे सूटकेस वगैरह हैं या ट्रॉलीज हैं वो इधर प्लेस कर सकते हैं, और कुछ क्विल्ट वगैरह आप उधर की साइड, ब्लैंकेट वगैरह प्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे मास्टर बेडरूम है जैसे मैंने आपको बताया, तो ड्रेसिंग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हमारे मास्टर बेडरूम में, तो ड्रेसिंग भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ये हमारा बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक सफिशिएंट अमाउंट का ड्रेसिंग है हमारा, जिसको आप देख सकते हो, हमने एक बहुत बड़ा सा मिरर प्लेस कर दिया है, करीब आपका 2 फीट का लगभग। एंड उसके बाद हमने क्या करा है, जो आपका नीचे आप देख सकते हो उसकी स्टोरेज दे दी है, कुछ ओपन स्टोरेज भी रख सकते हो, एक प्लेटफॉर्म हमारा मिल रहा है यहाँ पे। एंड इसके साथ हमने, क्योंकि ये ड्रेसिंग है, यहाँ पे कोई खड़ा है एंड जाहिर सी बात है कमरा वहाँ पे उधर से ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे एक हमने हिडन एलिमेंट दे दिया है, ताकि ये जो चीज़ है इसमें आप कुछ शोपीस भी प्लेस कर सकते हो, और थोड़ा सा वहाँ जो बंदा खड़ा है या फिर तैयार हो रहा है उसको एक प्राइवेसी टाइप का थोड़ा मिल जाता है। एंड बात करूँ, इसी के साथ भी हमने कुछ शोपीस वगैरह के एलिमेंट रखना चाहे हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पे है। इसको हमने जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर में ही डेवलप कर दिया, ताकि वो यहाँ पे अलग से ना बनाना पड़े, वो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे साथ। तो मास्टर बेडरूम का एक बहुत ज़रूरी पार्ट एक वॉशरूम भी है जो अटैच्ड होता है। यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा साइज़ का वॉशरूम मिल जाता है, करीब हमारा 10 फीट का वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें हमने एक बहुत ही बड़ा वॉश बेसिन प्लेस कर रखा है, और हमारी वॉल माउंटेड WC है जो कि कंसील सिस्टम के साथ है, और अच्छा खासा एक शावर एरिया मिल रहा है विद हाईलाइटर, और आप शावर भी देख सकते हो, नॉर्मल शावर नहीं है, अच्छा खासा एक बड़ा शावर है जो जैगुआर में आता है, वो हमने यहाँ पे ले रखा है, और ओनिक्स टाइप का अपना टाइल का कुछ हमने एलिमेंट यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये तो बात हो गई यहाँ के फर्नीचर प्लेसमेंट की, यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए, कमरे को उसका मेकओवर जो हमने करा है, उसका गेटअप देने के लिए, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, जो थीम है वाइट और ग्रे की, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जो कर्टेन प्लेस करे हैं, ये दोनों ही कर्टेन जो हमारा शेयर कर्टेन है और नॉर्मल कर्टेन है, दोनों हमने ग्रे प्लेस कर दिए हैं यहाँ पे। और उसके साथ आप पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये हमारा इधर UPVC वायर मैश के साथ लगा हुआ है, तो ये कर सकते हैं। और ये चीज़ एक, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप देखोगे तो ये सारा चैनल्स पे चल रहा है, कोई रॉड नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये जो चीज़ है, मतलब हमारा जो कर्टेन जो चैनल पे लग रहा है, वो हिडन है, क्योंकि हमने ये वुडन में, आप देखोगे ये वुड है, हमने ये वुडन में पेलमेट बना दिया है, और हमारा AC भी जो आप देखोगे ये वुडन पेलमेट के ऊपर आ गया है, और यहाँ से सीधे गो थ्रू हो गया है हमारा, बीम को पास करते हुए वो बाहर चला गया है, तो ये भी बहुत नीट लग रहा है यहाँ देखने में ना, तो ये हमने पेलमेट इसलिए डिज़ाइन करा दिया। और अगर हम इस पेलमेट को यहीं ख़त्म करते तो ये एरिया हमारा थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता। इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या करा है कि इसको रीडिज़ाइन करके, उसमें कुछ इनपुट डाल के इसको कंटिन्यू कर दिया पेलमेट को, और यहाँ पे एक हाइलाइटेड वॉल बना दी, जिसे आप फैमिली वॉल में भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, कमरे का साइज़ अच्छा खासा बड़ा है 18x16 का, तो यहाँ पे कैजुअल सिटिंग के लिए भी हमने एक लाउंजर दे दिया है। लाउंजर में आप देखोगे तो लाउंजर के 2 बेनिफिट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई बैठ के TV दे सकता है अगर उसका मन नहीं है बेड पे बैठने का, एंड मोरओवर जो उसका फुट रेस्ट है वो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रेसिंग के स्टूल की तरह भी यूज़ हो जा रहा है, और उसे लाउंजर में भी अगेन हम यूज़ कर सकते हैं। शोपीस हमने प्लेस करे हैं जगह जगह पे, जैसे आप देख सकते हो TV में हमने वॉल आर्ट प्लेस करी है वहाँ पे, जो हमने हाइलाइटेड वॉल करी है, और हमने इधर भी शोपीस, ड्रेसिंग के साइड भी शोपीस पीस प्लेस करे हैं, तो वो इस रूम को डेफिनेटली, इसका जो गेटअप है, इसकी जो सुंदरता है, उसको एनहेंस कर रहा है। इसी के साथ एक दो चीज़ें और है जो मैं आपको चलते चलते दिखा देता हूँ। एक हमने यहाँ कोट हैंगर ले रखा है वुडन में, इस पर हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंटली जैसे हम आते हैं, कोई चीज़ होती है कोट वगैरह, इस पर हैंग कर सकते हैं,
उसे हम हैंग करके यहाँ पे जैसे आपको कल भी पहनना है वो उठा के आप पहन सकते हो, ये चीज़ हो गई। एंड मोर ओवर आप पेंटिंग देख सकते हो, हमने बहुत ज़्यादा पेंटिंग यहाँ पे कुछ प्लेस नहीं करी क्योंकि काफ़ी शो पीस हैं, काफ़ी कुछ हाईलाइटेड वॉल्स हैं, तो इसलिए हमने पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं करी। तो एक छोटा सा पेंटिंग प्लेस कर दिया है, उसको एक वॉल हमारा बहुत ज़्यादा खाली ना दिखे उस वजह से। मोर ओवर एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी जो हमने हाईलाइटेड वॉल ली थी, वहाँ पर क्या था, मेरे हाईलाइटेड वॉल के पीछे हमने सिंपल प्लेन वाइट नहीं रखा है या वॉलपेपर दे दिया फैब्रिक टच में। अगर आप इसको पास से देख रहे हो तो ये हमारा वॉलपेपर है फैब्रिक टच में, वो हमने ले लिया है ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लुक दे, ये उससे कलर से वाइट कलर से थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे, तो ये हमने प्लेस कर दिया है। तो रूम मैंने आपको दिखा दिया जो कि मास्टर बेडरूम है, साइज़ मैंने आपको बता दिया, इसमें हमने फर्नीचर लेआउट कैसे करा है, इसमें हमने जो आपकी ब्यूटी इनको जो एनहेंस करने वाले एलिमेंट्स हैं वो कैसे प्लेस करे हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें जैसे हैं कि बेड हेड आपका बताया था मैंने, बाकी रूम से अलग कैसे है, बेड कैसे अलग है, क्विल्टेड बेड है, एलईडी में कैसे हमने वॉलपेपर बहुत स्मार्टली यूज़ कर लिया है इंस्टेड ऑफ माइका जैसे नॉर्मली माइका चलती है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिफरेंटली यूज़ करी है, इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये जो मास्टर बेडरूम है ये यूनिक है। इसी के साथ आप भूलना नहीं कि हमने यहाँ पे जो पैलमेट बनाया उसमें हिडन चैनल्स हैं, ये जो सारी एलिमेंट मिलके इस रूम को एक बहुत ही डिफरेंट लुक दे रही है, बहुत ही यूनिक बना दे रही है। तो ऐसा रूम मुझे भी लगता है कि आप भी चाहते होगे आपके घर में भी बहुत जल्दी बने या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग घर है उसमें रेनोवेट हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो, और मेरे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। एंड ये जो वीडियो मैं आपके लिए लाया था क्योंकि काफ़ी था कि मास्टर बेडरूम का एक वीडियो मैंने अभी तक दिखाया नहीं था, गर्ल रूम दिखाया था, बॉय रूम दिखाया था, ये एक्सक्लूसिव वीडियो इसीलिए मैं लाया था कि एक मास्टर बेडरूम होना ही चाहिए जो मेन घर की जान होता है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया, उम्मीद करता हूँ पसंद आपको आया होगा। लाइक बटन एक है उसे दबा ज़रूर दीजिएगा अगर पसंद आया है तो, भूलिएगा नहीं। एंड हाँ, सब्सक्राइब के साथ मैंने देखा है नोटिफिकेशन रह जाती है कहीं ना कहीं, जिस वजह से ऐसी वीडियो या फिर जो पुरानी वीडियो गई हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इनको प्लीज़ मिस ना कीजिए, ये आपके कहीं ना कहीं काम आने ही वाली हैं। तो उनको नोटिफिकेशन ऑन करके उन सारी वीडियोज़ का मज़ा आप ले सकते हैं मेरे साथ। तो अगली वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक में अगर वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू।